नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाल सिंह चड्ढा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी स्टोरी और उससे जुड़ी वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। आमिर खान की ये फिल्म अच्छे बुरे कारणों की वजह से आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा आज के समय का ट्रेंडिंग हैशटैग है। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी बनी है तो आप कितनी भी निगेटिव पब्लिसिटी कर लो, आप उसे सुपरहिट होने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और अगर उसमें दम नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पब्लिसिटी करो, आप उसको सुपरहिट नहीं करा सकते। आमिर खान की यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और उसी समय अक्षय कुमार और भूमि पाटनेकर की रक्षाबंधन फिल्म भी रिलीज होगी। देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म धमाल मचाएगी। अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो आमिर खान की यह फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हो चुकी होती। आमिर खान को क्रिसमस के समय फिल्में रिलीज करना बेहद पसंद है क्योंकि आमिर खान की फिल्में जो भी क्रिसमस के टाइम पे रिलीज हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। भले ही वो पीके हो, दंगल हो, धूम 3 हो, थ्री इडियट्स हो या तारे जमीन पर, सभी फिल्मों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। आमिर खान की यह फिल्म 1986 में विंस्टन ग्रूम द्वारा लिखे गए एक नॉवेल पर आधारित है। इसके ऊपर हॉलीवुड में भी 1994 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप। लाल सिंह चड्ढा दरअसल उसी फिल्म का हिंदी रीमेक है। उस साल टॉम हैंक्स द्वारा अभिनीत इस फिल्म ने 6 ऑस्कर अवार्ड के अलावा पूरे 29 अवार्ड जीते थे। हॉलीवुड की यह आइकॉनिक फिल्म फॉरेस्ट गंप नॉवेल के पहले 11 चैप्टर्स के ऊपर आधारित है। इस हॉलीवुड फिल्म को देखने के बाद और नॉवेल पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लग गया है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, लेकिन मैं आपका फिल्म देखने का मजा खराब नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म का मेन प्लॉट क्या है ये वीडियो के आखिर में जरूर बताऊंगा। इस फिल्म को आमिर खान, किरण राव, वायकॉम 18 और राधिका चौधरी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है और सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म से प्रसिद्धि पाने वाले अद्वैत चंदन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वैसे आमिर खान की फिल्मों में डायरेक्टर का कुछ खास रोल नहीं होता क्योंकि वो बंदा हर चीज में घुस जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को बनाने में पूरे 180 करोड़ का खर्चा आया है। इस फिल्म में आपको आमिर खान के अलावा करीना कपूर, मोना सिंह और नागा चैतन्य मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुना के बेटे नागा चैतन्य की ये पहली हिंदी फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर बड़े भव्य तरीके से आईपीएल फाइनल मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 29 मई 2022 को दिखाया गया था। चलिए अब आते हैं फिल्म की स्टोरी पर। दरअसल कहानी का मुख्य पात्र लाल सिंह चड्ढा की कहानी पंजाब के एक गाँव से शुरू होती है। मोना सिंह लाल सिंह चड्ढा की माँ का किरदार निभा रही है। लाल सिंह अपने बचपन में ना तो ठीक से चल पाता था और ना ही ढंग से बोल पाता था और साथ ही उसका आईक्यू लेवल भी सामान्य बच्चों से थोड़ा कम दिखाया गया है। स्कूल के समय में सभी लोग आमिर खान का मजाक उड़ाते हैं। उसकी स्कूल में करीना खान यानी कि रूपा से दोस्ती हो जाती है जो उसे हर काम के लिए मोटिवेट करती है। धीरे धीरे वो अपनी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो भागने भी लगता है, ग्रेजुएट भी हो जाता है और आर्मी में भर्ती भी हो जाता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे नागा चैतन्य यानी कि बबलू मिलता है और धीरे धीरे उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि आतंकवादियों से लड़ते समय लाल सिंह की मेंटल कंडीशन कैसी थी। मुश्किल हालातों में भी लाल सिंह कभी जिंदगी से हारता हुआ नहीं दिखाई दिया। वो युद्ध में लड़ा या फिर कायरों की तरह जंग का मैदान छोड़कर भाग गया, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों, इस फिल्म में लाल सिंह के किरदार में बहुत से रंग हैं और शायद ये आमिर खान के कैरियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है क्योंकि वो स्पेशल बच्चा होने के बावजूद सब कुछ करता है जो एक सामान्य बच्चा सपने देखता है, जैसे अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, अच्छी पढ़ाई करना, आर्मी में नौकरी करना, देश में सम्मान हासिल करना और अंत में वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।